सभी दर्शकों को नमस्कार साथियों। आज हम बात किसानों के लिए तो कर रहे हैं, मगर जो चावल खाने के शौकीन हैं और काफ़ी हैं, मुझको कई लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब सुगंधित चावल खाने के लिए कौन सी बासमती अच्छी है, तो मैं उनको सुझाता रहता हूँ। फिलहाल आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले कि बासमती चावल है क्या। साथियों, बासमती चावल जो है ये अपनी सुगंध के लिए जाने जाते हैं। कि सुगंध जो चावलों में होती है, जो खुशबू होती है, जिसके लिए बासमती जानी जाती है, ये दो एसिटाइल एक पायरोलिन नामक यौगिक पदार्थ होता है जो चावलों में पैदा हो जाता है अपने आप से, एक प्रक्रिया होती है। और इन दो केमिकल्स के यौगिक के मिश्रण से मिलने के बाद उसमें खुशबू बनती है, और ये खुशबू तब आती है जब बासमती चावलों की उम्र जो है वो बढ़ती है। मतलब चावलों को जितना लंबा हम रखते जाएंगे उतना 2-acetyl-1-pyrrolin जो है ये उसमें बढ़ता जाएगा, और उसकी मात्रा बढ़ने से जितना चावल पुराना होगा उतनी उसकी गुणवत्ता और उसमें पाई जाने वाली खुशबू जो है वो ज़्यादा होती जाती है। इसके चलते जितना खुशबूदार और लंबा चावल होगा उतना ही उसकी कीमत भी ज़्यादा हो जाती है। साथियों, सुगंधित चावल की कई किस्में बाज़ार से आप खरीदते हैं, मगर ये बासमती 370 आपने शायद ही चावल इसका ख़रीदा होगा। ये अत्यधिक सुगंधित है और बिरयानी बनाने के लिए ये अत्यधिक उत्तम भी है, और इसकी लंबाई जो है वो दुगनी हो जाएगी जब आप इसको बनाएंगे। तो ये लंबा भी है, और मैं कह सकता हूँ कि सभी बासमती चावलों की तुलना में इसकी सुगंध जो है बहुत अच्छी होती है। और इसका बीज अब हमारे पास क्योंकि आ गया है, मैं कई साल से कोशिश में था कि इसका बीज मुझको कहीं से ढूंढने पर मिल जाए, तो ये कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या आप चावल लेना चाहेंगे तो हम इसके चावल भी आपको मुहैया करा सकते हैं। मेरे साथ हैं संदीप डोडा, मैंने इनको चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के क्षेत्रीय कार्यालय कौल से, जो कैथल जिला में पड़ता है, वहाँ से बासमती 370 का बीज लेके दिया था। ये बहुत ही रेयर बीज है, बहुत कम मिलता है, तो इन्होंने लगाया है। आप देख सकते हैं ये अब कट भी गया है। आइए आपको इसके अब दाने दिखाते हैं। ये बासमती 370 है, आप कहीं भी पूछेंगे पूरे देश में तो बहुत कम जगह पे शायद ये आपको मिल सकती है, और इसकी सुगंध बहुत अच्छी रहती है और स्वाद भी बहुत अच्छा है। इट्स वेरी रेयर वैरायटी, यू सी, ये बहुत कम जगह पर ही उपलब्ध है इसका चावल। तो आप अगर चावल अच्छे सुगंधित खाने के शौकीन हैं तो बासमती 370 धान के लिए, वैसे तो ये बीज है, मगर कितनी पैदावारी होगी इसकी? डॉक्टर साहब, इसकी पैदावारी लगभग 10 से 11 क्विंटल एकड़ आने की उम्मीद है जी। एकड़ में मैं किसानों से ये कहना चाहूंगा कि ये अपने सिर्फ घर तो ये हमने झड़वा ली है, और आप देख रहे हैं कि ये झड़ रहा है, और अब हमने इसका वो भी दिखा दिया है कि इसका दाना कैसे है। तो 10-11 क्विंटल के आसपास आएगी। डॉक्टर साहब, मैं किसानों को ये कहना चाहूंगा कि ये अपने घर खाने के लिए थोड़ा थोड़ा लगाएं, जरूर लगाएं। हाँ जी, है ना। साथियों, अत्यधिक सुगंधित बासमती 370 के बीज के लिए आप इनसे भी कर सकते हैं संपर्क, और हमसे भी ये ले पाएंगे आप। इसको ज़रूर लगाएं और परिवार के खाने के लिए रखें। शुभकामनाएं, नमस्कार।